हाय फ्रेंड्स, तो कैसे यार आप सभी। तो दोस्तों, आज आपका भाई एक और इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर आया है जो आपने स्टार्टिंग में देखा। दोस्तों, इस वीडियो को दोस्तों आप कुछ अलग अलग एंगल से भी बना सकते हो। जैसे दोस्तों, आप आईने के नीचे बैठ के पहला पार्ट शूट करोगे तो आपको पहला पार्ट इस तरह से शूट कर लेना। आप स्क्रीन पर, मैं आपको दो वीडियो शो करा रहा हूँ। जैसे आपको एक वीडियो में लिपसिंग नहीं करनी है, बस सेड फीलिंग करना है, इस हिसाब से आपको नीचे बैठ जाना। इसमें स्लोमो भी दे सकते हो या फिर कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, आईने के हिसाब से। और अगर दोस्तों आपके पास इस तरह का कोई फ्रेम नहीं है शीशे का, और तो मैं आपको यहाँ पर सभी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उस हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा। दोस्तों, दो तरीके से आप वीडियो बना सकते हो। तो काइनमास्ट एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों, तो वो तो आपके पास हो गई, नहीं है तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, वहाँ पर आप मुझे दे सकते हो इसका लिंक, ठीक है। तो काइनमास्ट ओपन कर लेना है, प्लस पर टिक कर देना है, बीच वाला रेशियो 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, जो वीडियो शूट किया है आपने, फर्स्ट क्लिप आपको यहाँ पर ऐड कर लेनी है, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्लिप जो है ऐड कर लिया है। इसमें मैं कोई सा भी पार्ट रख सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर कोई सा भी रखने के लिए, तो मैं ये मास्क वाला रख लेता हूँ, ये मेरा भाई है, इसने यहाँ पर वीडियो शूट किया, ठीक है। तो यहाँ से रख लेता हूँ, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। इसको कोई लिपसिंग की मैच की जरूरत नहीं पड़ने वाली इस वीडियो में, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, आपको एक बात ध्यान रखना है दोस्तों, आपका जो बैकग्राउंड है ब्लैक होना चाहिए। अगर दोस्तों ग्रीन स्क्रीन पर आप वीडियो शूट करते हो तो आप बैकग्राउंड में कुछ चीज़ ऐड भी कर सकते हो, और यहाँ पर ब्लैक पर करते हो तो आपको इसको ब्लैक कर लेना है फुल, ठीक है। तो इस वीडियो को हम इतना रखेंगे, कैंची पर टिक करेंगे, ट्रिम टू लैपटॉप ब्लेड काट लेंगे, इसके आगे का भाग है वो काट लेंगे। अब इसको हम ब्लैक करने के लिए क्या करना होगा, इस वीडियो पर टिक करना है, और इसको आपको पार्ट को ब्लैक एंड वाइट कर लोगे तो आपका वीडियो और भी मस्त बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, फिल्टर पर जाते हैं और बेसिक पर जाते हैं, इसको कर लेते हैं दोस्तों ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, B02 वाला, ठीक है। अब दोस्तों ब्लैक इस पर्दे को और ब्लैक करने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को फिर से टिक करना होगा, एडजस्टमेंट में जाना होगा, कॉन्ट्रेस्ट को आपको फुल कर देना है। यहाँ पर कॉन्ट्रेस्ट में फुल ना हो तो एक बार एक्सपोर्ट करके एक बार और कॉन्ट्रेस्ट को फुल कर देना, आपका बैकग्राउंड जो है ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं कुछ और यहाँ पर हो सकता है, उस हिसाब से आपको कर लेना है, ठीक है। ब्राइटनेस को कम करोगे तो उस हिसाब से भी ब्लैक हो जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ब्लैक कर लेना फुल। अब आप देख सकते हो, कुल मिला के ये ब्लैक हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारा एक और पार्ट है उसको ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको एक फ्रेम ऐड करनी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेयर पर टैप करते हैं, मीडिया पर टैप करते हैं, और वो जो फ्रेम है हम यहाँ पर वो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको ऐड कर लिया, इसकी ड्यूरेशन हम इतनी बढ़ा लेते हैं, और दोस्तों इसको आप छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो इसको हम कर लेते हैं इतना बड़ा, आपके जैसे शरीर को टचिंग ना हो उस हिसाब से, ठीक है। इसको इतना बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, स्टार्ट में आ जाते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर आपका जो सेकंड वीडियो है उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। लेयर पर टैप करते हैं, मीडिया पर टैप करते हैं, वो सेकंड वीडियो और हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो वीडियो हमारा सेकंड भी आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर लिपसिंग आपको मैच कर लेनी है दोस्तों, ठीक है, साउंड ऐड करके। तो पहले साउंड ऐड करने के लिए लेयर पर टैप करते हैं, मीडिया पर टैप करते हैं, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो साउंड और ये वाला है, इसको ऐड कर लेते हैं, और क्या करते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं, एक्सट्रेट ऑडियो पर टिक कर लेते हैं, और इसको यहाँ से कर देते हैं डिलीट, ठीक है। वीडियो में कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर साउंड आपको मैच कर लेना है, ओके। अब दोस्तों इस वीडियो पर फिर से टिक करते हैं, और इसको छोटा कर लेते हैं, इस फ्रेम के हिसाब से आपको यहाँ पर छोटा कर लेना है, ठीक है। तो इसको हम इतना छोटा कर लेते हैं, और यहाँ पर सेट कर लेते हैं, ओके। इसको क्या करना है, 3 डॉट पर टिक करना है, सेंड टू बैक कर देना है इस तरह से, ठीक है। अब दोस्तों आपको थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेना है, और थोड़ा क्रॉप करना पड़ेगा मुझे लगता है इसको। तो क्या करते हैं, नीचे हम जाते हैं, क्रॉपिंग पर टिक करते हैं, और यहाँ पर कर लेते हैं इसको इतना क्रॉप, ठीक है। इसको दोनों साइड से हमें क्रॉप करना पड़ेगा दोस्तों, फ्रेम दिखना चाहिए, बाहर का जो पार्ट है हमारा वो नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मास्क ऑन कर देना है, फेदर को यहाँ पर फुल कर देते हैं इतना, ठीक है। राइट पर टिक कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप शेप भी अलग कर सकते हो, इसको भी ब्लैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर आपको पहले ब्लैक करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि लेयर में जो वीडियो लेते हैं काइनमास्ट में, मेरे में ये प्रॉब्लम है, जैसे हम ये कलर फिल्टर वाले में जाते हैं तो वीडियो पूरा यहाँ पर हैंग हो जाता है, यहाँ पर दूसरा ही हमें बनाना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, और अगर दोस्तों आपके काइनमास्ट में या एडजस्टमेंट में अगर यहाँ पर हो तो आपको कर लेना, मेरे में आप देख सकते हो पूरा ब्लैक हो जाता है या फिर पूरा वाइट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी कर सकते हो, अगर यहाँ पर ना हो तो पहले आपको मीडिया में वो वीडियो ये वाला एक्सपोर्ट कर लेना है, ये वाला लेयर वाला, और इसको मैंने आपको बताया था पहले, उस हिसाब से आपको ब्लैक कर लेना है,
ठीक है। और दोस्तों इसको आप थोड़ा कलरफुल करना चाहो तो आपको क्या करना, एडजस्टमेंट में जाके हुई को आपको थोड़ा कम या ज़्यादा करके इसको कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कलर वल चेंज नहीं करने वाला, राइट पर टिक कर देते हैं। और यहाँ पर कुछ और भी दिखे तो आपको क्या करना है, फिर से क्रॉपिंग पर टिक करना है, शेप पर ऑन करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ शेप जो है चुन लेना है, यहाँ पर जो आपका शेप एडजस्टमेंट हो अच्छी तरीके से उसी हिसाब से। तो ये शेप देख लेते हैं एक बार, राइट पर टिक कर देते हैं, फिर से शेप पर टिक करते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो नीचे से ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कटिंग हो रहा है उस हिसाब से, तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं इस वीडियो को फिर से हम इस साइड खिसका लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि यहाँ पर बीच में आ जाए वीडियो हमारा, थोड़ा यहाँ पर अच्छा लगे, कटिंग वटिंग ना हो, ठीक है। और राइट पर टिक कर देते हैं, वीडियो आप देख सकते हो दोस्तों बहुत ही आसान स्टेप में बनेगा, ओके। अब दोस्तों यहाँ पर आप एक और इफेक्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, आपका वीडियो बहुत ही मस्त बनेगा। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, वरना इतना ही रख सकते हो। लेयर पर टैप करके, ओवरलेयर पर टैप करके आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, मैंने पहले से डाउनलोड किया है, आप देख सकते हो रेनी डेज वाला, इसको आप ऐड कर लेना। इन सभी में से कोई सा भी इफेक्ट आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर ये चार नंबर वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट पर टिक कर देता हूँ और इसकी ड्यूरेशन यहाँ से बढ़ा लेता हूँ। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसको भी इस तरह से फुल कर लेना है, ठीक है। इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर लेनी है ताकि यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट ना यूज हो, ठीक है। आप देख सकते हो हमारा जो ये साउंड है ये इतना ही है, तो वीडियो इतना बनेगा। तो इस मीडिया वाले वीडियो पर टिक करते हैं, कैंची पर जाते हैं, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड कर लेते हैं। अब दोस्तों हमारा जो इन सभी का एक्स्ट्रा साउंड है सभी को आपको यहाँ पर बंद कर लेना है, ठीक है। इन सभी का साउंड हम नहीं रखने वाले, ठीक है। साउंड हमारा ये वाला लग चुका है, इसको भी मैं आपको एक बार म्यूट करके वीडियो चला के दिखा देता हूँ कैसा बना। लिपसिंग आपको ये बात का ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर परफेक्टली मैच कर देना है। अगर दोस्तों आप ये वाला जो इफेक्ट है अगर पूरा नहीं रखना चाहते तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने जो सेकंड वीडियो लेयर वाला वीडियो है उसमें भी रख के आपका वीडियो मस्त बनेगा, ठीक है। तो उसमें भी हम एक बार ट्राई कर लेते हैं, तो इसको हम इस तरह से टेढ़ा कर लेते हैं और यहाँ पर फ्रेम में एडजस्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हो इसमें जो ये इफेक्ट है इसी इसी में आएगा, और सेकंड वाले पार्ट है जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें नहीं आएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। इससे आपका वीडियो मस्त बनेगा। इसकी ओपेसिटी अगर आप दोस्तों यहाँ पर कम ज़्यादा और करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, राइट पर टिक कर लेते हैं। अब दोस्तों वीडियो को गैलरी में सेव करने के लिए इस एरो पर टिक करना है और यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेना है। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।